जी नाजरीन, आज हमारे साथ लालाल रोपन, जो कि फैसलाबाद और पाकिस्तान लेवल की शख्सियत है, किसी तारफ के महताज नहीं है। लाला जी, ये बताएं, जो कमीशन इस्लामाबाद से हाई कोर्ट से आया था, उसका कौम को क्या फ़ायदा हुआ, और हमें आप तफसीली तौर पर इसकी ब्रीफिंग करें। मैं सबसे पहले नेशनल न्यूज़ फैसलाबाद से आई थी, वो मतलब जो फैसलाबाद जैसा कि आपने मुझे क्वेश्चन किया है कि मानवेंट कमीशन से, मैं मानवेंट कमीशन से सदर साहब ने दो दिन फैसला बंद का दौरा किया, और इसमें दो इशूज थे। एक था न्यू गवर्नेंट स्कूल सिस्टम मदीना टाउन में, और उसके साथ भारत का जो गंदा गंदे सीवर है उनके लिए था, और उसको उन्होंने दे कहा था, और दूसरा था जड़ावाले के हवाले से। और मैंने उनको जब वहाँ पे गए हैं अपना न्यू गवर्नेंट स्कूल सिस्टम में, वहाँ पे उन्होंने बच्चों के भी हालात देखे हैं, और साथ जो अपना उन्होंने डिस्पोजल बनाया उसके भी हालात देखे हैं, और इस बात का उन्होंने करार किया है कि इसके साथ डिस्पोजल नहीं होना चाहिए था, जितने यहाँ पे बच्चों की सेहत का मसला है। तो वहाँ पे बजाय इसके कि कमीशन फैसलाबाद आया और ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी की है कमीशन को, तो मिनोरिटी स्टेट जो सिचुएशन है उसको हल करने की कोशिश करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि कमीशन का जो दो दिन का दौरा है तो उसके असरात तो एज सच दो दिन में तो कोई ऐसे नज़र नहीं आए। जो पहले वो गए थे अपना न्यू गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके साथ मतलब था जो ये अपना डिस्पोजल उसके लिए, और वहाँ पे उन्होंने भी करार किया, और बाकी जो आवाम थी उन्होंने भी उनको बताया कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लोगों की सेहत का मसला है। और जैसा कि इंतजामिया को, बादशाह को और उनको भी बताया गया कि विदाउट एनी NOC जो है अपना महकमा मौलियात का NOC ऑपरेशन का इसको हासिल नहीं है बादशाह को, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जो उनके चाहिए तो ये था कि शेख सदर साहब उधर ही बैठे अहकाम जारी करते कि डिस्पोजल का ऑपरेशन को फौरी बंद किया जाए, लेकिन उन्होंने भी लैतुल्लाल से काम लेते हुए कहा कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी। अब मसला यह है कि उनको ये भी बताया गया कि ये यहाँ पे जो डिस्पोजल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसको किसी भी सूरत जो महकमा मौलियात ने तो अपना SOPs दिए हैं उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्या, शायद वासा वाले उनको मनाने में कामयाब हो गए, या हमारी बात उनको समझ नहीं आई, या उनको 1500 बच्चों पर तर्स नहीं आया, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर तर्स नहीं आया कि वो वहाँ पे मौके पे ऐसी अहकाम जारी करते हैं जिससे पता चलता है कि वन में कमीशन अगर फैसलाबाद आया है तो उसके उसके आने के जो पॉजिटिव असरात हैं वो कम्युनिटी तक पहुँच गए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे जिस चीज के लिए भी कोई भी कमीशन बना है, जैसे कि ये कमीशन जो है इसने माइनॉरिटीज के इश्यूज को देखना और उसको सुनना भी है, लेकिन बजाय इसके कि माइनॉरिटीज इश्यूज को सुना जाता है उनको ट्रॉल करने की कोशिश की जाती, वहां पे थोड़ा सा अपना शेख सदर साहब थोड़ा सा गुस्से में भी रहे कि जी आपने शिकायतों के अंबार क्यों लगाए हैं, बात सुने, हम शिकायत करेंगे तो उसका मसले का हल होगा। वो चाह रहे थे कि जड़ावाले के हवाले से भी वहाँ की जो सिचुएशन है उसकी तारीफ की जाए, और यहाँ पे भी जो अपना डिस्पोजल के हवाले से भी जो इशूज हैं उनको ना देखा जाए, बल्कि अब देखें ना डिस्पोजल के हवाले से बड़ी अहम बातें हैं कि वहाँ पे 1000 दरख्त उनके सामने की बात है कि वहाँ पे 300 के करीब दरख्त लगाए हैं और वहाँ पे स्मेल ऑफ केमिकल है, और ये मानने के बावजूद कि ये बच्चों के साथ और आबादी के साथ ज्यादती हो रही है, कोई भी अहकाम जारी नहीं है। अभी उन्होंने उनको 15 दिन का टाइम दिया था, देखिए उसके रिजल्ट क्या आते हैं। इसके साथ साथ जड़ा वाले के हवाले से इशूज उनके साथ उठाए गए, मीटिंग हुई थी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ पे और वहाँ पे भी जड़ा वाला से लोग आए थे, यहाँ से लोग अपना जॉइंट एक्शन कमेटी के मेम्बर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने मसाइल बताने की कोशिश की कि जड़ा वाले में जो प्रोसिक्यूशन के इशूज हैं वो यही है। जी नाज़रीन, लाला जी हमें तफसीलन जड़ा वाले के हवाले से बता रहे हैं, जो कमीशन ने उनकी बातें सुनी, और हम लाला जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमें हर वक्त बाखबर रखते हैं।